हेलो फ्रेंड्स, सबका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। तो दोस्तों, यहाँ पर नेवी ट्रेडमैन भर्ती को लेकर काफ़ी दिन से रिजल्ट को लेकर कोई भी न्यूज़ नहीं आ रहा है। मेरे पास डेली कैंडिडेटों के व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं, कोई भी वीडियो अपलोड करो उसी पे कमेंट आते हैं कि सर कम से कम ट्विटर पे आप कैंपेन चलाइए। तो यहाँ पर आज मैं आपको उसकी सारी डिटेल्स देने वाला हूँ, और आपको रिक्वेस्ट है, आप चाहे किसी का भी वीडियो देखते हो, क्योंकि मुझे पता है लास्ट कुछ दिन से मैं आपको सही न्यूज़ देता हूँ उस पर भी काफ़ी लोग डिसलाइक करते हैं, तो वो एक पर्सनल जेलेसी हो सकता है। पर इस चीज़ में आप अपनी जेलेसी ना दिखाएं, क्योंकि ये मैं एक आपको डेट और एक आपको टाइम और पूरा फिक्स बताऊंगा इस वीडियो में कि किस डेट को कितने बजे हमें ट्वीट करना है, किस प्रकार आपको करना है। और जिसका भी आप वीडियो देख रहे हो, ये नहीं है कि आप मेरा ही वीडियो देखते हो, किसी और चैनल वाले का जो आपको लगता है कि आपका इसमें फ़ायदा हो सकता है, जिसमें लड़के जुड़े हुए हैं, तो उनको भी आप इस चीज़ का रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर इतने डेट को यहाँ पर हम ट्विटर पर कैंपेन है वो चला रहे हैं, तो आप उसमें भाग लें। तो वो अपने जितने भी व्यूअर्स हैं वो उन तक पहुंचाएंगे बात। तो ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को आपको एकजुट करना है, कम से कम 4 से 5 हज़ार ट्वीट्स तो होने ही चाहिए। और अगर आपको ट्वीट करना, आपको ट्वीट भी करना है और आपको रीट्वीट भी करना है, अपना भी और बाकी जो भी। ये नहीं है कि मेरा ही, सिर्फ मेरा ही आपको रीट्वीट करना है। मैं आपको बता दूंगा मेरा जो आईडी है, फॉलो करो ना करो वो आपका मर्जी है, मैं कभी भी ट्वीट वगैरह में भाग नहीं लेता हूँ इतना। पर काफ़ी का रिक्वेस्ट आ रहा था, तो मैंने सोचा एक आपको डेट दे दिया जाए, जिससे कि हो सकता है कुछ इफेक्ट पड़े। वैसे आपको पता होगा मार्च में एग्ज़ाम हुआ था और 27 जुलाई को लास्ट में एग्ज़ाम हुआ है, तो 27 जुलाई के बाद में लगभग 2 महीने से ज़्यादा, यानी कि 2 महीना 10 दिन हो चुके हैं आज की डेट तक, तो 2 महीना 10 दिन। और पिछला जो रिज़ल्ट था वो 4 महीने के अंदर आ गया था, तो अभी टाइम तो वैसे नहीं हुआ है, पर जिस हिसाब से यहाँ पर मार्च में भी एग्ज़ाम हो चुका था उस हिसाब से काफ़ी टाइम निकल चुका है। तो छात्रों से वेट नहीं हो रहा है इस चीज़ का, इसीलिए ये एक छोटी सी मुहिम है, देखते हैं कितना यहाँ पर सक्सेसफुल रहता है। आपको मैं जो हैशटैग है वो भी बताने वाला हूँ कि कौन सा हैशटैग आपको यूज करना है और कौन सा किस प्रकार से आपको ट्वीट करना है, क्योंकि नेवी की स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गई है इस मामले में। ना ही कोई नोटिस आया है, ना ही कोई अपडेट आया है। इससे पहले आपको पता होगा 5 नोटिस जिस टाइम एग्ज़ाम नहीं हुआ था मुंबई का, तो डेली यहाँ पर अपडेट देते थे वो कि आज यहाँ पर डेट 2 बार रिवाइज़ की गई थी। तो वो जो स्पीड है वो कहीं ना कहीं रुक गई है, और कोई इंटरनली न्यूज़ भी नहीं निकल के आ रही है। तो इस चीज़ को लेकर मैंने यहाँ पर एक सोचा है, तो आप इसका साथ दें। मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा, सभी लोग, चाहे मेरे जो जलेसी वाले हैं, चाहे मुझे अच्छा नहीं मानते हैं वो लोग, चाहे मेरा वीडियो डिसलाइक करते हैं, पर वो भी इस चीज़ के अंदर भाग लें, क्योंकि ये आपके लिए ही किया है। मैंने ना ही तो ये एग्ज़ाम दिया है, ना ही कुछ है, आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। ऐसे लाइक डिसलाइक करने से कुछ नहीं होता है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप लाइक करें, अगर नहीं लगती है तो डिसलाइक करें। मैं कभी भी ये नहीं बोलता आपको कि आप लाइक ही करके जाओ मेरे को, तो ये चीज़ है। पर मैं अब आपको दोस्तों जो है वो सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो जो हैशटैग है वो मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार आपको कितने बजे। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, या कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, बोर्ड हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें सिर्फ 3 इजी स्टेप से। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें। अपने फ़ोन नंबर से इजी साइन अप कर लें। अपने क्वेश्चन का फोटो लें या उसे टाइप करें और सबमिट कर दें। फिलो आपको 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगा। सो गाइस, एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फिलो। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कहाँ पे क्या ट्वीट करना है? तो दोस्तों, वैसे तो ट्वीट से ज़्यादा कुछ होता नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि जो आपका रेलवे के जो एग्ज़ाम रहते हैं उनमें काफ़ी बार ट्वीट के बड़े बड़े कैंपेन चलाए गए हैं। पर अखबार के अंदर न्यूज़ आ जाती है कि यहाँ पर छात्रों के द्वारा ट्वीट के ऊपर कैंपेन चलाया गया, पर सरकार की तरफ से कुछ भी अपडेट नहीं आया था। फिर भी हम यहाँ पर ये चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ भी करना ज़रूरी होता है। तो ट्विटर आंदोलन है आपका, ये 3 हैशटैग मैंने बनाए हैं नेवी TMM रिजल्ट को लेकर। 3 हैशटैग हैं, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पूरा, जो वहाँ पर से आप कॉपी कर सकते हो, या फिर मेरा ट्विटर हैंडल जो मैं आपको बताने वाला हूँ वहाँ से आप उस ट्वीट को पूरा कॉपी कर सकते हो। तो वो चीज़ आप करें, और आपका यहाँ पर ट्विटर पर ये रहेगा, बिल्कुल ऑनलाइन रहेगा, किसी को ऑफलाइन कहीं पर नहीं जाना है। और आपका यहाँ पर जो है वो डेट आपका, तो दोस्तों डेट मैंने रखा है इसमें 11 अक्टूबर को सुबह 11 बजे। यहाँ पर एक साथ सभी को ट्वीट करना, चाहे जितने भी हैं, 500, 1000, 2000, 5000 कैंडिडेट जो भी हैं,
जितने भी हो 11 अक्टूबर सुबह 11 बजे सभी को ट्वीट करना है, और जो भी आपको जो हैशटैग आप यूज करोगे, जो ये आप हैशटैग लगाओगे, तो इस हैशटैग के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो जितने भी ट्वीट जो रहेंगे उन सबको आपको रीट्वीट करना है। ये नहीं है कि सिर्फ मेरा ही रीट्वीट करना है, सभी को रीट्वीट करना है, क्योंकि जितने ज़्यादा ट्वीट होंगे और रीट्वीट होंगे वो सभी काउंट होंगे, उसके बाद में वो आपका ट्रेंडिंग में आने के चांसेस रहते हैं। ये नहीं है कि ट्रेंडिंग में लाखों में ट्वीट हो तभी आता है, 1000-2000 रहते हैं तो भी ट्रेंडिंग में आ जाता है वो चीज़। तो ये चीज़ आपको करना है 11 अक्टूबर को। ये अब 11 अक्टूबर मैंने इसीलिए रखा है कि आप जिसके भी व्यूअर हो, किसी भी यूट्यूबर का वीडियो देख रहे हो, तो आप उसको कम से कम इन्फॉर्मेशन दे दें कि सर ऐसा ऐसा 11 अक्टूबर को 11 बजे यहाँ पर एक ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है, तो उसके रिगार्डिंग आप अपने जो भी व्यूअर्स हैं उनको अवेयर कर दें कि वो इसके अंदर भाग लें और आप भी इसमें सर भाग लें। जो भी है, आप जिसके भी वीडियो देख रहे हैं, जिस जो भी आपको अच्छा लगता है उसी को आप ये कमेंट कर दें। ये इसीलिए मैंने ये चीज़ बनाई है। और अब मैं आपको ट्विटर हैंडल बताने वाला हूँ और किस प्रकार आपको ट्वीट करना है वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप ट्विटर ऐप है वो ओपन करोगे, तो इस प्रकार से आपने आईडी बना रखी होगी, तो इस प्रकार से आपके सामने ओपन होगा। आपने किसी को यहाँ पर ऐड कर रखा है, नहीं कर रखा है, वो इस प्रकार से आपके सामने ओपन होगा। तो इसमें हमें टैग भी करना होगा, नेवी को भी टैग करना है, और भी 2-3 टैग हैं जो हमें करने चाहिए, जिनको यहाँ पर इस चीज़ का पता होना चाहिए कि नेवी का हमने ट्रेडमैन का एग्ज़ाम लिया है और रिजल्ट अभी तक नहीं दिया, तो उन सबको टैग भी करना है, वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो सिंपली आपको आईडी अगर आपका बना हुआ है ट्विटर के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं बना हुआ है तो इंस्टॉल करके बनवा लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट आती रहती हैं आपकी। तो अब आपको यहाँ पर क्या है, ये प्लस के ऊपर क्लिक करना है, ये जो प्लस का ए है इसके ऊपर आपको ट्वीट करना है। पहले मैंने जो किया है अभी एक एग्जांपल के तौर पर एक ट्वीट किया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मेरा यहाँ पर ये आईडी है, यहाँ से देख सकते हो, ये आपका अशोक / आपका भालोटिया BHALOTHIA, ये मेरा यूज़र नेम है। तो इस पर हमें प्रोफाइल पर मैं जाऊँगा, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये रहेगा मेरा, और यहाँ पर देख सकते हो मैंने जस्ट अभी यहाँ पर ये एक ट्वीट किया है। तो इसको यहाँ पर इस प्रकार आपको ट्वीट करना है। तो इसको ये देख सकते हो, ये तीनों हैशटैग मैंने इसमें यूज किए हैं। फिर मैंने दी इंडियन नेवी को यहाँ पर ये आपका टैग किया है, राजनाथ सिंह जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं यहाँ पर सेंटर के, तो इनको यहाँ पर टैग किया है, और डिफेंस मिनिस्ट्री इंडिया का जो ऑफिस है उसको यहाँ पर टैग किया है। तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ पर तीनों चीज़ें इसके अंडर में आती है। जैसे कि अगर इंडियन नेवी ने इसके अंदर अवेयर नहीं लिया, यानी कि तो नहीं देखा, तो यहाँ पर ये डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया या फिर राजनाथ सिंह के द्वारा इनको सूचित किया जाएगा कि क्या नेवी ट्रेडमैन क्या आप रिजल्ट है वो क्यों नहीं दे रहे हो, क्या रीज़न है, इसको देना चाहिए जल्दी। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से मैंने किया, सर प्लीज़ रिलीज नेवी सिविलियन TMM रिजल्ट 2021 एग्जाम कंडक्टिंग है वो यहाँ पर मार्च और 27 जुलाई 2021 को किया गया था। तो ये एक छोटा सा यहाँ पर है, ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं लिखा है। तो सिंपली ये आप ट्विटर पे मेरा जो यूज़र नेम है वो आप सर्च करोगे, तो इसे आप फॉलो भी कर सकते हो, क्योंकि फॉलो करोगे तो जैसे ही मैं 11 अक्टूबर को 11 बजे ट्वीट करूँगा तो आपके सामने वो आ जाएगा। अगर आप नहीं करते हो तो आपके कोई कंपल्सरी नहीं है, मत करो, आपकी इच्छा है। तो इसको आपको कॉपी कैसे करना है, इस ट्वीट के आपको क्लिक करके रखना है, क्लिक करके रखेंगे तो यहाँ पर ये कॉपी हो जाता है, इस प्रकार से ये आएगा, जो यहाँ पर इसे आप इस प्रकार देख सकते हो, कॉपी टू क्लिपबोर्ड। तो ये आपका कॉपी हो गया पूरा मटेरियल। तो अब आपको ये सीधा पेस्ट कर देना है और कुछ नहीं करना है। जैसे कि अब आपको कैसे ट्वीट करना है, तो प्लस पे आप जाओगे, ट्वीट्स पे आप जाओगे, तो यहाँ पे आपको व्हाट्सएप के अंदर जो आपने कॉपी किया है वो पेस्ट कर देना है। तो देख सकते हो ये आपका हो गया है, जो चीज़ें हमने लिखी थी वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो आपने देखी थी वो सारी चीज़ें आ गई हैं, और इसको आपको ट्वीट कर देना है 11 अक्टूबर को सुबह 11 बजे। ये यहाँ पर है, 11 अक्टूबर से पहले रिजल्ट आ जाता है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं आता तो ये चीज़ आप ज़रूर करें। और फिर जैसे कि आपने ट्वीट कर दिया तो इसको आपको रीट्वीट करना है, जैसे कि ये मैंने मेरा खुद का किया, तो आप जितने भी हैं वो रीट्वीट करें, और इसे लाइक भी कर सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा यहाँ पर इफ़ेक्टिव रहेगा। और कमेंट में भी आप नीचे लिख सकते हो यही ट्वीट बार बार, जितने बार हो सके आप कम से कम 2 बार 5 बार 10 बार आप एक कैंडिडेट करें, और औरों की जितने भी आपको इसके रिगार्डिंग ट्वीट देखे उनको सबको रीट्वीट करें। जैसे कि ये मैंने हैशटैग बनाया है, तो इस हैशटैग पे आप जैसे क्लिक करोगे तो इस प्रकार से यहाँ पर ये रहेगा, सिर्फ मैंने ही ट्वीट किया है अभी तक, किसी ने नहीं किया है। तो जैसे ही यहाँ पर आप ट्वीट करेंगे या फिर और छात्र करेंगे, तो आप इसे स्क्रॉल करोगे तो नीचे और भी ट्वीट्स जो होंगे वो आएंगे, तो सबको आपको रीट्वीट करना है और लाइक करना है। जितने ज़्यादा रीट्वीट होंगे और जितने ज़्यादा ट्वीट होंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी रहेंगी इन्फॉर्मेशन के तौर पे। तो ये चीज़ आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो आपका 11 अक्टूबर को सुबह 11 बजे पता लग जाएगा, कितने के अंदर भाग ले रहे हैं कितने छात्र, तो उस हिसाब से हम सारी चीज़ें फिर आगे का डिस्कस करेंगे। तो ये एक छोटी सी मुहिम है,
तो आप इसके अंदर जरूर भाग लें, और जो भी आपका जिसका भी आप व्यूअर देख रहे हो उन सभी को आप इस चीज़ का अवेयर करें। तो आगे की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट कर सकते हैं ताकि अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।